हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम जानेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सभी एटीएम और डेबिट कार्ड की लेटेस्ट चार्जेस के बारे में दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सारा एटीएम और डेबिट कार्ड है सभी डेबिट कार्ड का चार्जेस एंड बेनिफिट अलग अलग है एंड ये जो चार्जेस है डेबिट कार्ड का ये हर एक या दो साल में चेंज होता है तो आज हम जानेंगे सभी ए और डेबिट कार्ड की लेटेस्ट इशू चार्जेस एंड कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में जो कि 2024 की लेटेस्ट चार्जेस है दोस्तों एटीएम और डेबिट कार्ड में मेनली दो तरह का चार्जेस होता है एक है कार्ड का इशू चार्जेस एंड दूसरा है कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जब डेबिट कार्ड पहली बार इशू होता है आपके अकाउंट में बैंक की तरफ से जब इशू होता है तब इशू चार्जेस लगता है एंड ये इशू चार्जेस वन टाइम होता है एक ही बार लगता है एंड हर साल कार्ड की एनुअल चार्जेस होता है जो कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है ये एनुअल चार्जेस को हर साल आपको देना होता है तो ये दोनों चार्जेस मेनली होता है जब डेबिट कार्ड आप पहली बार लेते हैं और आपके अकाउंट में इशू होता है जब अकाउंट ओपन करते हैं एंड आपको डेबिट कार्ड मिलता है तब तो इशू चार्जेस लगता है एंड एक साल के बाद फिर से आपको एनुअल चार्जेस देना होगा तो दोस्तों पहला ए टी और डेबिट कार्ड है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रुपये क्लासिक डेबिट कार्ड रुपये क्लासिक डेबिट कार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सबसे सस्ता डेबिट कार्ड है जितने भी डेबिट कार्ड है सबसे ये कम चार्ज वाला कार्ड है तो रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड का इशू चार्जेस दो सौ हैं एंड इसमें अठारह परसेंट जी एस टी मिला के टोटल चार्जेस दो सौ हैं जब कार्ड इशू होगा तब ये चार्जेस आपको देना होगा यानी ये जो चार्जेस है ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा ये वन टाइम चार्जेस है उसके बाद कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वो भी दो सौ हैं एंड इसमें अठारह परसेंट जी एस टी मिला के टोटल चार्जेस दो सौ हैं ये दो सौ हर साल आपको देना होगा क्योंकि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है उसके बाद है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रुपये प्लाटिनम डेबिट कार्ड रुपये प्लाटिनम डेबिट कार्ड का इशू चार्जेस तीन सौ हैं एंड इसमें अठारह परसेंट जी एस टी मिला के टोटल चार्जेस तीन सौ चौबन रुपये हैं एंड कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी तीन सौ रुपये हैं एंड जी एस टी मिला के टोटल चार्जेस तीन सौ चौवन रुपये हैं उसके बाद है वीज़ा प्लाटिनम डेबिट कार्ड वीज़ा प्लाटिनम डेबिट कार्ड का इशू चार्जेस छः सौ रुपये हैं एंड इसमें अठारह परसेंट जी एस टी मिला के टोटल चार्जेस सात सौ आठ रुपये हैं देन uh, इस कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वो भी छः सौ रुपये हैं एंड जी एस टी मिला के टोटल चार्जेस सात सौ आठ रुपये हैं उसके बाद है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रुपये प्लाटिनम बिजनेस डेबिट कार्ड रुपये प्लाटिनम बिजनेस डेबिट कार्ड का इशू चार्जेस चार सौ निन्यानबे रुपये हैं एंड इसमें अठारह परसेंट जी एस टी मिला के टोटल चार्जेस पाँच सौ अट्ठासी रुपये हैं एंड इस कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वो भी चार सौ निन्यानबे रुपये हैं एंड जी एस टी मिला के टोटल चार्जेस पाँच सौ अट्ठासी रुपए हैं उसके बाद है रुपये सिलेक्ट डेबिट कार्ड रुपये सिलेक्ट डेबिट कार्ड का इशू चार्जेस नौ सौ पचास रुपये हैं एंड इसमें भी जी एस टी मिला के टोटल चार्जेस ग्यारह सौ इक्कीस रुपये हैं एंड इस कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नौ सौ पचास रुपये हैं एंड जी एस टी मिला के टोटल चार्जेस ग्यारह सौ इक्कीस रुपये हैं तो दोस्तों ये जितना भी चार्जेस है उसमें जीएसटी अलग से देना होगा यानी अठारह परसेंट जी एस टी आपके अकाउंट से वो चार्जेस डेबिट होगा तो दोस्तों ये रहा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सभी एटीएम और डेबिट कार्ड की लेटेस्ट इशू चार्जेस एंड कार्ड की एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में एंड ये जो चार्जेस है ये अभी का चार्जेस है यानी दो की अभी लेटेस्ट चार्जेस है ये अभी सेप्टेम्बर महीना चल रहा है तो अभी का ये लेटेस्ट चार्जेस है तो फ्यूचर में ये चार्जेस चेंज भी हो सकता है तो लेटेस्ट चार्जेस के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए एंड अच्छा लगे तो वन लाइक करें सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वाचिंग।